अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज अलहमदिल्ला जुम्मा है और अभी जुम्मा की नमाज पढ़ के निकले हैं और मौसम भी देख लें। मौसम आज फिर वो क्या कहते हैं ना, ख़तरनाक हो रहा है। यहाँ पे अभी सर्दी ऑलमोस्ट स्टार्ट है, देख लें जैकेट वगैरह यहाँ पे निकल चुकी हैं और लेकिन बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है फिलहाल यहाँ पे। आज बारिश भी बता रहे हैं जी, 3 से 4 दिन। न्यू आते हैं जी टॉपिक की तरफ, वो क्या कहते हैं ना, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज स्पेशली मेरे लिए एक क्यामत वाला दिन है, क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो कहते हैं ना कि आज फैसला हो जाएगा, एक जजमेंट डे है कि हमने जन्नत में जाना ही है दोजख में जाना है। जन्नत वाले पास वाले हैं और दोजख वाले जितने भी होंगे वो रिसीट्स वाले होंगे। तो मैं आज आपके सामने अपने जो इतने मार्क्स होंगे वो रिवील करने वाला हूँ। वो कहते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या हिसाब था हुआ है। हमारे जो बाकी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सबसे भी अभी कॉल करके पूछूंगा उनका क्या बना है। और आई होप सो अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई मेरे अलावा बाकी जितने भी कहीं भी किसी भी कंट्री में है, किसी भी वाले से इम्तिहान में है, तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। क्योंकि स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये स्टडी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं। क्योंकि अगर खुदा हादसा अगर आप स्टडी आप टाइम पे नहीं करते तो आपके लिए बहुत ही बड़े झंझट खुल जाएंगे और आप बिल्कुल के रह जाएंगे। तो स्टडी टाइम पे कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स के लिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपका जो पूरा फ्यूचर है वो इस रिज़ल्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। अल्लाह करे रिजल्ट अच्छा हो। बेसिकली इसमें मैं आपको मेरे जो T1 जो टर्म 2 वो कहता हुआ semester 1 जो था semester 2 दोनों क्लियर थे। लेकिन आज जो बाकी रिजल्ट अनाउंस होना था वो था हमारे डेजिग्नेशन का, जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसमें हमारी प्रेजेंटेशन थी और रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। जो वेटेज थी डेजिग्नेशन की थी 80% मार्क्स उसके कंसीडर होने थे और 20% आपके प्रेजेंटेशन थे। लेकिन आपको दोनों क्लियर करना मस्त है, ये नहीं हो सकता कि अगर आपका डेजिग्नेशन क्लियर है और अल्लाह ना करे प्रेजेंटेशन में आप फेल हो गए तो आपको ये पास नहीं करेंगे। दोनों में इंडिविजुअली आपको पास करना ज़रूरी है। जी हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं जल्दी से वो लिंक ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हमारा वो जो कहते हैं ना कारनामा आने वाला है। तो जी मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडेंट पोर्टल पे। यहाँ पे आपको 3 टैब मिल जाएंगी जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट और ई फॉर्म्स मेन्यू। तो मैं स्टूडेंट में जाऊँगा और ये असर वो टैब है जहाँ पर हमारा कारनामा आने वाला है जी। तो ग्रेड्स पर क्लिक करूँगा, देन मॉड्यूल रिजल्ट एंड इस पर क्लिक कर लेंगे डिसीजन पे। और यहाँ पे टॉप राइट साइड पे यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि मुझे ग्रेड डिटेल चेक करनी है, तो ये दूसरी वाली ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। और हमारा सेशन था जी 21-22, तो मैं इसको सबमिट करूँगा और ये कुछ आ जाएगा जी। मेरे बाकी अलहमदिल्ला T1 और T2 क्लियर थे। तो जो मेन रिजल्ट मेरा अभी आना था वो था जी जो डेजिटेशन का होता है, जो फाइनल रिपोर्ट कह लें वो था, जिसमें आपकी डेजिटेशन थी 80% मार्क्स जिसके इंक्लूड करने थे और 20% थी हमारी प्रेजेंटेशन के। तो ये चेक करते हैं इसमें क्या कुछ हुआ है जी। मैं ये लास्ट साइड पे जो नंबर थी इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया और डेजिटेशन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 70 हैं जी आउट ऑफ 100 और प्रेजेंटेशन में मेरे 80 हैं आउट ऑफ 100। तो कंपोजिट मेरे मार्क्स हैं जी इन जो मेरा फाइनल डेजिटेशन उसमें 72 जो कि फाइनल A3 ग्रेड बनता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन शॉर्ट के जो मेरी डिग्री थी वो कंप्लीट हो गई है।
चले जी, आपने मेरा कारनामा तो देख लिया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अभी ने डिग्री है, मास्टर डिग्री एमएससी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो क्लियर हो गई है, अल्लाह का शुक्र है जी, लाख लाख। और जाने से पहले मेरी दुआ है आप सब दोस्तों के लिए, जो भी कहीं भी स्टूडेंट है, किसी भी हवाले से कोई दोस्त अब आप किसी भी हवाले से कोई चैलेंजेस का शिकार है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।